जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्रेवल विद दिलीप में। और आज है धनतेरस और धनतेरस का धूम आप सबको दिखाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं जगदेव पथ और आपको दिखाते हैं कैसा लग रहा है हमारा जगदेव पथ से और पूरा बेली रोड का मार्केट। और वीडियो में मैं आपको नहीं दिखूंगा, वो इसलिए क्योंकि सीधा आपको सिर्फ मैं मार्केट ही दिखाऊंगा। जी हाँ, चलिए जगदेव पथ पहुँच चुके हैं और अब मार्केट का व्यू एंजॉय करना शुरू कर दीजिए। और जगदेव पथ हम पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ का फूलों का मार्केट, ये सब कितना प्यारा कितना सुंदर। और भीड़ आप देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है, लेकिन यहाँ पर भी लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं 2 वर्षों के बाद काफ़ी भीड़ आप देख सकते हैं यहाँ पर जगदेव पथ का। ये मार्केट मैं आपको दिखा रहा हूँ और काफ़ी प्यारा लग रहा है। जी हाँ, लाइट भी आपको दिखेंगे, गणेश लक्ष्मी जी का मूर्ति भी आपको देखने को मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा मार्केट सजाया गया है जगदेव पथ में, जो मैं अभी आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपको घर में आप फूल माला जो आप लेते हैं रंगोली, सारा कुछ आपको यहाँ पर जो है मिल जाएगा। लेकिन आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, क्या आपको पता है कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है? तो चलिए मैं आपको थोड़ा बताता हूँ इसके बारे में। ऐसा माना जाता है कि राजा हिम के बेटे को श्राप था कि शादी के 4थे दिन ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब राजकुमार की पत्नी को इस बात का पता चला तो उसने एक योजना बनाई। उसने अपने पति से शादी के 4थे दिन जगे रहने के लिए कहा। जी हाँ, मार्केट आप देख सकते हैं। और जगदेव पथ में कुछ खास मार्केट नहीं दिखा, चलिए अब आपको लिए चलते हैं खसपुरा में और वहाँ का आपको दिखाते हैं मार्केट। भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, आपको दिखाते हैं आगे से। और आप भीड़ देख सकते हैं आगे से, मैं आपको भीड़ का फोटो दिखा रहा हूँ। ये फ्लाई ओवर है बेली रोड का और नीचे आप देखिए गाड़ी तक ससरने तक का जगह नहीं है। जी हाँ, इतना ज़्यादा लोग हैं आप देख सकते हैं। मुझे जगदेव पथ से खसपुरा पहुँचने में समझ सकते हैं कितना भीड़ है कि मुझे 1 घंटे का समय लग गया जगदेव पथ से खसपुरा पहुँचने में। जी हाँ, और यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ श्री हरि ज्वेलर्स। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसे सजाया गया है धनतेरस के टाइम पर। और आगे से आप व्यूज देखिए, हर वर्ष होता है लेकिन 20 में थोड़ा सा कम हुआ है और 20 का भी कमी लोग जो है अभी मज़े ले रहे हैं इस भीड़ में आकर के, लुप्त उठा रहे हैं। पुलिस हमारी तैनात है कि कहीं पर कुछ दिक्कत ना हो जाए, इन लोगों को सैल्यूट है। और मैं आपको खसपुरा लेकर के पहुंच चुका हूं। जी हां, खसपुरा मैं आपको लेकर के पहुँच चुका हूँ और खसपुरा का आप मार्केट देख सकते हैं कितना प्यारा सजाया गया है। और आपको पता है कि आखिरकार धनतेरस में बर्तन खरीदने का परम्परा क्या है? तो ऐसा माना जाता है कि इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। भगवान धनवर्ति धन त्रोष्टी के दिन हाथ में चांदी का पात्र लेकर उत्पन्न हुए थे। बाकी कहानी सुनाते हैं आपको लिट्टी खाने के बाद। लिट्टी के कॉर्नर पहुंच चुके हैं और देख सकते हैं लिट्टी, मैं लिट्टी खा रहा हूँ। आप देख सकते हैं लिट्टी में आपको क्या क्या मिला है, तो चोखा मिला है, चटनी मिला है और यही सलाद मिला। तो चलिए लिट्टी खाते हैं, इसके बाद फिर आपसे बातें करते हैं। और लिट्टी खा लिए हैं और लिट्टी खाने के बाद अब आगे बढ़ रहे हैं लिट्टी कॉर्नर से। और इसके बाद का जो कहानी है मैं अभी आपको सुना रहा हूँ। तो ऐसा माना जाता है कि इसलिए इस दिन चांदी का बर्तन, चम्मच या चांदी के आभूषण खरीदने का बहुत महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस के दिन चांदी खरीदने से सौभाग्य खुलता है और सुख की प्राप्ति होती है। जी हाँ, और मार्केट आप देख सकते हैं कितना प्यारा सजा हुआ है मार्केट हमारा खसपुरा का। मैं आपको खसपुरा में आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर चुनरी भी मिल रहा है, फूल भी मिल रहा है और सामने गणेश लक्ष्मी जी का प्रतिमा भी मिल रहा है। जी हाँ, और हर दुकान पे लोगों का भीड़ है, कोई भी ऐसा दुकान, ये लाइट का देख सकते हैं दुकान, काफ़ी तरह के लाइट आपको दिख रहे होंगे। और अब हम पहुँच चुके हैं बिग बाज़ार के पास और देख सकते हैं बिग बाज़ार को भी काफ़ी खूबसूरत सजाया गया है। और देख सकते हैं यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी लोगों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। जी हाँ, तक का आपको हमने मार्केट दिखाया और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं बिग बाज़ार खसपुरा के पास में। जी हाँ, ये पहला ऐसा बिग बाज़ार है जहाँ पर जो है ट्रायल रूम बंद है। जी हाँ, कोरोना काल से पहले ही ट्रायल रूम बंद है और अभी भी बंद है। और आगे का आप देख सकते हैं इस तरफ ट्रेंड। और खसपुरा का बिग बाज़ार दिखाने के बाद अब आगे बढ़ चुके हैं और सामने आपको दिखेगा ट्रेंड्स का मार्केट। जी हाँ, और देख सकते हैं इसको भी कितना बेहतरीन सजाया गया है।
और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं भीड़, आपको यहाँ पर भी भीड़ काफ़ी ज़्यादा आपको दिखेंगी। जी हाँ, क्योंकि आज धनतेरस है और धनतेरस में हर लोग खरीदारी करने निकले हैं। अब आपको दिखाते हैं शिव मंदिर। शिव मंदिर को कितना डेकोरेशन अच्छे से सजाया गया आप देख सकते हैं यहाँ पर। ए बमे हाथ में से जाई जे छुट्टी, क्या बात है। माटी के चिलम हफट देना फूटी, मजा लेबे नहीं पैब तू डोल के, हाँ हाँ डोल के, ए हो डोल के। तो मैंने आपको गीत सुनाया, कैसा लगा? अच्छा लगा तो एक लाइक करिएगा। और अब आपको दिखा सकते हैं इधर का जो मार्केट जो है रोड के इस तरफ का, ये आप देखिए कितना बेहतरीन इधर आपको सामानें आपको दिखेंगी। और सबसे जो इसमें मुझे खास क्या लग रहा है कि यहाँ पर जो जितने भी दुकानें हैं सभी को सजाया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फूल माला, ये सब मैं आपको करीब से दिखा रहा हूँ। तो सभी दुकानों को, ये लक्ष्मी जी गणेश जी का मूर्ति भी आपको मार्केट में मिल रहा है। और यहाँ पर आप देखिए लाइट, जो भी आप लाइट चाहें वो भी आपको मिल जाएगा। जिस तरह का आपको लाइट चाहिए सारा कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पर। आप ऊपर में लटकाने वाले ले सकते हैं, घर के ऊपर में टांग सकते हैं, वो भी लाइट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। क्योंकि आप सामने देख सकते हैं इस तरह का लाइट आपको मिल रहा है। और सामने आपका आदित्य विजन, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लोग खरीदारी करने में लगे हैं और बम्पर खरीदारी किया जा रहा है। जी हाँ, फ्रिज, एसी, कूलर, जो भी लेना है वो सब कुछ यहाँ पर लोग ले रहे हैं। तो जगदेव पर से लेकर के खसपुरा का आपको हमने ब्लॉग दिखाया धनतेरस का। तो कैसा लगा? अच्छा लगा तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे और किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने भाई बहनों का ख्याल रखें और अपने दिलीप भाई के साथ यूं ही छोटे बड़े ब्लॉग में आते रहे। और हाँ, ये जो ब्लॉग शूट हो रहा है वीवो V20 से हो रहा है। जी हाँ।